1.5 करोड़ की स्मैक के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। शाहजहांपुर के कटरा थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने अंतर्राज्यीय 2 मादक तस्करों को लगभग 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अपर्णा गौतम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश अनुसार अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु उनके पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी तिलहर परमानंद पांडे के कुशल निर्देशन में थाना कटरा प्रभारी हरपाल सिंह बालियान क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर उन्होंने हुलास नगर फाटक से पहले खम्बा फैक्ट्री के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर इबरान पुत्र सुल्तान निवासी बडेड़ा थाना फतेहगंज पूर्वी को 400 ग्राम स्मैक और सलीफ पुत्र अनवर निवासी गढ़ी जलालपुर थाना सिनोली जिला पानीपत को 350 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही अंतर्राज्यीय तस्कर के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। कटरा पुलिस द्वारा आज तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी गई है और इसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम इबरान और सलीम है उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इनके हमारे द्वारा भी पूछताछ की जा रही है कि ये स्मैक जहाँ से कहाँ से प्रोक्योर करके लाए थे और कहाँ ये लेकर जा रहे थे। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।